हेलो गाइस, गेमिंग एम्पायर के कॉर्नर एवरी में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, तो ये शायद आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ यहाँ पे, देख सकते हो मैं अभी कौन से क्लैन में हूँ, भारत में हूँ, ठीक है। देख सकते हो मैं अभी भारत क्लैन में हूँ, तो भारत मतलब देख सकते हो टॉप क्लैन्स में, ठीक है, मतलब इंडिया का सबसे नंबर वन क्लैन है, तो इसमें मैं अभी हूँ। और ग्लोबल में भी देख सकते हो पूरे वर्ल्ड में नंबर 10 में क्लैन है, तो इसमें मैं अभी तो हूँ। तो अभी मैं इन लोगों के साथ थोड़ा फ्रेंडली चैलेंज करने वाला हूँ, थोड़ा कॉलैप करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, मतलब कैसे कॉलैप कर रहे हो, और उसके बाद वीडियो को लाइक करना तो मत भूलें। मतलब यार ये तो बहुत बड़ी बात है कि मैं अभी इंडिया के टॉप क्लैन्स में हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देख लेना, कभी स्किप मत करना, और आखिर में जाकर वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस सबसे पहले अगर पहली बार आ रहे हो मेरे चैनल पे, तो जल्दी से जल्दी यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही हर एक दिन मतलब नए नए कोलैबोरेशन के ऑफ वीडियो अपलोड करता था। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने क्लैश ऑन टाइटन भाई के ऊपर बनाया था, ठीक है। तो अभी मैं भारत क्लैन हूँ, तो अभी भारत क्लैन के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक जो टॉप क्लैन्स है और उसी के साथ जो यूट्यूबर्स के क्लैन है उन वहाँ पे जाके मैं जाता रहूँगा। और अगर आप लोग आना चाहते तो मैं आप लोगों को भी इन्वाइट कर दूँगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए क्लैश ऑफ क्लैंस के, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज हमारा वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो आज सुबह जो क्लैश ऑन टाइटन भाई क्लैन है वहाँ से मैं लीव किया था, ठीक है। उन लोगों को बताया कि मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मतलब भारत क्लैन का जो राकेश भाई है, यहाँ पे देख सकते हो दो ऊपर जो टॉप टू मेंबर्स है, ये दोनों मेरे फ्रेंड पे, ये दोनों ही भारत क्लैन के। तो जो राकेश भाई है, तो इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सॉरी मतलब क्लैन पे क्लैन इन्वाइट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो उसने इन्वाइट किया था मुझे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार जाके देख लेते हैं, आज थोड़ा कॉल भी कर लेते हैं उनके साथ, ठीक है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार भारत में आ सकूँगा, ठीक है। पर भारत में मैं आ गया, देख सकते हो यहाँ पे नंबर वन क्लैन है इंडिया का। तो यहाँ पे मैं आ गया, ग्लोबल में भी नंबर 10 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, अभी मैं इसी क्लैन में हूँ। तो अभी थोड़ा कॉलअप करने वाला, मतलब फ्रेंडली चैलेंजेस खेलने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी सबसे पहले एक चैलेंज दे देता हूँ, तो मुझे तो पता है कि इसमें 100% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मतलब बहुत ही प्रो लेवल की अटैकर्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, मेरे सीसी में इलेक्ट्रो ड्रैगन है, उसी के साथ मतलब इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ है एक लून, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री स्टार हो जाएगा, उसी के साथ में एक और अटैक उन लोगों को दिखा देता हूँ, मतलब कितने प्रो अटैकर्स है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिप्लाई कोड पड़ते हैं, मतलब +40, तो देख सकते हो बेस कितना टफ था, ठीक है। तो इसमें उन लोगों ने मतलब 3 स्टार निकाल दिया, तो कैसे निकाल दिया इसी के बारे में अभी हम देखने वाले। तो देख सकते हो उन लोगों ने क्या यूज़ किया था, यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया था 1 पिक उसी के साथ 14 बोलो उसी के साथ 8 विचेस एंड 5 आइस गोलम, ठीक है। तो चलिए देख लेता है अभी इस अटैक को यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यार यहाँ पे मैं शायद कनेक्शन लॉस्ट हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से FC दे दूंगा, ठीक है, मतलब फ्रेंडली चैलेंज फिर से दे दूंगा। तो यहाँ पे देख लो कैसे उन लोगों ने अटैक किया, तो मैं यहाँ पे 2x कर देता हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत अटैक दिखाना बाकी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2x कर दिया, तो देख लो कहाँ से अटैक शुरू किया, ठीक है। तो इस साइड से अभी ऐसे शुरू किया, उसके बाद यहाँ पे अटैक जाते जाते देखो हाँ काफ़ी गया। तो उसके सीसी में भी था कुछ ट्रूप्स, ठीक है, बेबी ड्रैगन था उसी के साथ, एक आइस गोलम था, तो बहुत से ट्रूप्स उसके भी सीसी में थे। पर कोई बात नहीं, यहाँ पर जो हमारा मनीष भाई है, तो उसने बहुत ही अच्छा अटैक किया, ठीक है। तो उसने अटैक किया, देखिए सर, तो उसके सीसी से भी आइस गोलम और एक पिक्का बाहर आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा ईगल आईडी लड़ी उसको ख़त्म कर दिया ऐसे, ठीक है। तो इसी साइड से हमारे जो ग्रैंड वार्डन ये चल रहा था हमारे ट्रूप्स के साथ, पर यहाँ पे बहुत से ट्रूप्स खत्म हो गए। उसके साथ उसने बैट स्पेल से यहाँ पे शुरू कर दिया, मतलब बैट स्पेल से पूरा तबाही शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बैट स्पेल जा रहा था, तो अभी देखो कितना पावरफुल अटैक है, ठीक है, मतलब विजर्ड टावर के रेंज में आ गए, ठीक है। देख सकते हो विजर्ड टावर के रेंज में, पर अब तक उसने फ्रीज नहीं डाला, इतने बाद उसने फ्रीज डाला, आर्चर टावर खत्म उसके बाद ही उसने फ्रीज डाल दिया, ठीक है। तो और इस तरफ से पूरा 3 स्टार भी आ गए, ठीक है। तो देख लो पूरा अटैक, मतलब 3 स्टार कितने अच्छी तरह से निकले। तो मैं बहुत कोशिश करके शायद 2 स्टार निकाल पाती यहाँ पे, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। पर यहाँ पे उसने 3 स्टार निकाल दिया, तो समझ सकते हो कितना हाई लेवल का पुशर है, बहुत ही पावरफुल क्लैन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो उसने 3 स्टार ऐसे निकल लिया, मतलब +40 ट्रॉफी मिल गया उसको ऐसे, मतलब कितना पावरफुल क्लैन है, देख सकते हो। तो अभी मैं भारत में हूँ, तो मैं चाहूँगा कि कुछ देर मतलब कुछ टाइम यहाँ पे ही रहने के लिए, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे एक फ्रेंडली चैलेंज दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक और फ्रेंडली चैलेंज दे दिया, तो मैं अभी इस वाले अटैक पे जाने वाला था, पर उस पर कोई और अटैक पे चला गया, तो कोई बात नहीं, और भी बाकी के जो अटैक से 40+40 का, तो उसके ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे अमित भाई ने, जो हमारा अमित है इसी क्लैन का, तो उसने एक अटैक किया था। तो देख सकते हो मतलब ये, अगर आप लोग बेस को देख रहे समझ रहे हो कि इसका लूट, तो लूट के ऊपर मत जाओ, बेस देखो कितना पावरफुल है। यहाँ पे देख सकते हो AI डिफेंस पूरा मैक्स आउट है, यहाँ पे जो क्वीन है, क्वीन भी ऑलमोस्ट मैक्स आउट है, ठीक है। उसके साथ वार्डन भी 1 लेवल बाकी है, और किंग भी अभी 5 लेवल से बाकी है, ठीक है।
तो सब ऑलमोस्ट सब कुछ ही मैक्स आउट है ठीक है यहाँ पे। तो इसके अटैक की ओर देखते तो उसने यहाँ पे लावलून किया था, मतलब इतने हाई लेवल पे जाके लावलून कैसे करते मुझे तो नहीं पता, पर देखेंगे हम लोग कि कैसे करते हैं ठीक है। और उसके स्पेल का जो कॉम्बिनेशन है ये भी देख लो, तीन डे स्पेल और थ्री फ्री स्पेल ठीक है, तो ये तो ठीक है। उसके बाद इसने ई क्यू किया था, मतलब जो हमारा ई क्यू है तो ई क्यू स्पेल इसने कैसे यूज़ किया, क्यों इसके इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं अटैक कहाँ से शुरू होता है। तो मैं अभी यहाँ पे 2x कर देता हूँ ठीक है, तो अब तक अटैक शुरू नहीं हुआ ठीक है। तो देखते हैं अभी किस तरफ से उसने अटैक शुरू किया है। तो इस तरफ से उसने पहले सबसे पहले आर्चर से कुछ परसेंटेज निकाला ठीक है। तो यहाँ पे आर्चर से शुरू हो गया, वो देख सकते हैं आर्चर से अभी निकल रहा है, मतलब 2%। उसके बाद अभी और भी निकल जाएगा, तो 3% निकल गया आर्चर से ठीक है। तो आर्चर तो बहुत ही अच्छा खेल गया यहाँ पे। तो अभी इस साइड से भी उसने आर्चर थोड़ा डिप्लॉय कर दिया, मतलब वो सबसे पहले कुछ परसेंटेज निकालेगा आर्चर से। तो बहुत ही अच्छा मुझे ये मतलब उसका स्ट्रेटजी लगा, बहुत ही अच्छा। तो इस तरफ से उसने यहाँ पे क्वीन डिप्लॉय कर दिया ठीक है। तो क्वीन अभी यहाँ से चलेगा, तो देखते अभी कितना देर तक ये घर पता है ठीक है। तो किंग भी यहाँ पे चला गया। उसके बाद अभी जो ओपोनेंट था, ओपोनेंट की सीसी से देख ही सकते हो क्या निकाला है ठीक है। यहाँ पे स्केल्टन निकाला है ठीक है, तो क्योंकि उसके पास था विच ठीक है। तो इस तरफ से उसने कर दिया, मतलब इस तरफ से उसने लावलून स्टार्ट कर दिया, मतलब पीछे से कुछ मिनियंस उसी के साथ वार्डन भी उसने यहाँ पे छोड़ दिया ठीक है। तो यहाँ पे उसने वार्डन की एबिलिटी भी यूज़ कर लिया, तो देख ही सकते हो मतलब कितना पावरफुल अटैक उसने किया था। तो इतना पावरफुल, इतना शानदार अटैक करते इसीलिए वो लोग इंडिया के नंबर वन क्लैन में है ठीक है। तो मैं आज इस वाले क्लैन पे आके कोलैबोरेशन कर लो, मतलब उन लोगों के साथ ही खेल रहा हूँ ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे तरह से यहाँ पे 3-स्टार निकल लिया, मतलब बहुत ही प्रो लेवल के, अल्ट्रा प्रो लेवल के ये लोग अटैकर्स है ठीक है। यहाँ पे भी प्लस 40 ट्रॉफी उन लोगों ने लाया ठीक है। तो मेरे यहाँ पे अभी अब तक अटैक नहीं होती, कोई बात नहीं, मैं फिर से फ्रेंडली चैलेंज देता हूँ, शायद उन लोगों ने अब तक नहीं देखा होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार और शायद मैं TH11-2 इसलिए शायद वो लोग नहीं दे रहे अटैक ठीक है। तो मैं अभी इस वाले बेस के ऊपर जाता हूँ, देखते हैं अभी इस वाले बेस के ऊपर क्या हम लोग 1-स्टार ला पाते या नहीं। तो यहाँ पे मेरी सबसे 2-स्टार निकल जाएगा, तो अभी देखते हैं हम लोग कितना परसेंटेज यहाँ पे ला पाते हैं ठीक है। तो सबसे पहले मैं टनल के ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल अटैकर्स है, तो मेरी सबसे रिक्स नहीं लेना चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा क्वीन वॉक से, क्वीन उसके पीछे से कुछ हीलर्स, यहाँ पे मैं एक सबसे पहले लून लेकर यहाँ पे ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे पूरा टेस्ला का फार्म है ठीक है, तो इसी के साथ मैं एक ऑल लून यहाँ पे डिप्लॉय कर दूंगा, कि शायद एयर सीकिंग माइन अगर हुआ तो जल्दी जल्दी बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे यूज़ कर लिया रेड स्पेल, तो पीछे से कुछ विजर्ड्स ठीक है, कुछ विजर्स मैंने डिप्लॉय कर दिया यहाँ से। तो अभी देखते किंग कितने देर तक चल पाता है। तो अंदर सीसी से निकाला है एक पेका, तो पेका को अभी देख लेंगे हम लोग कितने देर तक मार पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और बेबी ड्रैगन भी यूज़ कर लिया, तो बहुत ही पावरफुल अब तक अटैक जा रहा है। तो मेरे हिसाब से क्वीन का जो एबिलिटी है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है, क्योंकि देख सकते हो कितना पावरफुल अटैक अभी चल रहा है यार, नोटिफिकेशन आ रहा है। तो कोई बात नहीं, तो देख सकते हो यहाँ पे क्वीन को ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अरे यार क्वीन खत्म हो गया, पता नहीं कैसे, पर क्वीन खत्म हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे 2-स्टार के लिए ट्राई करेंगे, देखते 2-स्टार आता ही या नहीं ठीक है। तो यहाँ से मैंने फनल करना स्टार्ट कर दिया, इस तरफ से भी मैं अभी फनल करना स्टार्ट कर दूंगा। तो कुछ परसेंट इसे यहाँ पे ईगल आर्टिलरी जो हमारा है वो स्टार्ट हो गया, तो बहुत ही बड़ा बात है यहाँ पे हमारे लिए, बहुत मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग अभी अटैक जा रहा है। पता नहीं अभी क्या होगा, मेरे हिसाब से क्या हम लोग 1-स्टार ला पाएंगे या नहीं, इसके लिए अभी सोचना पड़ेगा। बहुत ही पावरफुल अटैक जा रहा है यार, क्या करेंगे अभी देखते। तो मेरा सारी बेबी टैगेंस खत्म यहाँ पे, तो देख सकते हो कितना पावरफुल अटैकर्स है वो लोग ठीक है। तो मैं भी ट्राई करूँगा इस तरफ से सबसे पहले 1-स्टार लेने के लिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं किंग को डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कुछ लून्स डिप्लॉय कर दिया, उसी के साथ इलेक्ट्रो ड्रैगन भी डिप्लॉय कर दिया। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि 1-स्टार आ जाए, और यहाँ पे 1-स्टार आ गया ठीक है। तो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे तो अटैक बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, यहाँ पे मतलब सब कुछ खत्म कर दिया। मैं यहाँ पे कुछ और कहना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ही फालतू अटैक गया है मेरे ठीक है, मतलब इतना अच्छा अटैकर से बोलो, इतना अच्छा डिफेंसेस है। तो कोई बात नहीं, 29% मॉन्स्टर निकाला, तो यहाँ पे मैं इसको पॉप कर देता हूँ। तो कोई बात नहीं, मॉन्स्टर यहाँ पे आ गया ठीक है। तभी देखते हैं हमारे बेस के ऊपर वो लोग 100% कर पाए या नहीं, तो मेरे सबसे 100% ईजिली हो जाएगा ठीक है। तो यार फिर से यार 0% क्या हो रहा है मेरे साथ पता नहीं, तो हम लोग फिर से ट्राई करेंगे, देखते हैं अभी क्या होता है ठीक है। तो फिलहाल तो यार जल्दी से जल्दी तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं अभी भारत क्लैन हूँ यार, बहुत ही बढ़िया बात है मेरे लिए। तो अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर, सॉरी अगर चैनल पर नहीं आ रहे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए ठीक है। तो अभी बढ़ते क्लैन के ऊपर, तो क्लैन देख ही सकते हो कितना बढ़िया क्लैन है, लेवल 18 का क्लैन है। तो मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि आज, मतलब आज सुबह जब मैं वहाँ से रिक्वेस्ट आया, तो मैंने तो तब नहीं सोचा था कि यहाँ से भी मतलब मेरे इस वाले क्लैन से भी मुझे इनवाइट आ सकता है ठीक है, मतलब इस क्लैन में मैं रह सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी क्लैन में पुशिंग करूँ, या फिर कोई और यूट्यूबर्स के क्लैन में जाओ, या फिर कोई और टॉप क्लैन्स पे जाओ ठीक है।
तो अभी मैं ट्राई करूँगा डॉक्टर मिसुजा के क्लाइंट में जाने के लिए। मेरे हिसाब से वो तो नहीं हो पाएगा मेरे से, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। तो देखते अभी क्या होता है। तो फिलहाल तो अभी आज के लिए इतने, तो देखते अभी हम लोग कितने देर तक इस क्लाइंट में रह पाते। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मतलब मैं अभी भारत क्लाइंट में रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे प्रो लेवल के मतलब बहुत अच्छे अच्छे अटैक्स होने वाले हैं, तो उस सबको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहली बार आ रहे हो तो जल्दी से जल्दी उसी के साथ वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप लोग भी आना चाहते हो भारत वाले क्लाइंट पे, तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि अगर आप लोग आना चाहते हो तो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगेगा गाइस जल्दी से लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उन लोगों को भी दिखाओ कि मैं अभी भारत क्लाइंट में, मतलब आप लोगों का भाई अभी भारत क्लाइंट में। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।